अगर आप लोग एथलीट या उनसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये काफ़ी रोमांचक लगने वाला है जो हम अभी आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अजीब है। क्योंकि एक बार एक लड़की जिसका नाम था रोजी रूइज, इनका नाम काफ़ी प्रचलित हुआ था बॉस्टन मैराथन में, क्योंकि ये इसलिए हुआ था कि ये जीती थी उस मैराथन को। आपको यही लग रहा है ना, बहुत मेहनत से जीती होंगी, कोई दुख भरी दास्तां होगी, बैक स्टोरी जिसके कारण ये बहुत प्रचलित हुई थी। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, जितने के लिए ही ये मैराथन में रातों रात मशहूर हो गई थी बहुत ज़्यादा। थर्ड सबसे कम सेकंड में लेडीज़ रिकॉर्ड बनाने वाली ये मोहतरमा, उससे पहले उन्हें कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं। ये भी नहीं पता था कि ये है कहाँ से और कहाँ से प्रैक्टिस करी गई थी इनका। 70 डिग्री के तापमान में 26 मील की रेस इतने कम समय में पूरा करने के बाद तो इनको पूरी तरह थक जाना चाहिए था, पर रोजी पूरी तरह थकी भी नहीं थी बल्कि ये तो उछल रही थी और पूरी तरह तंदुरुस्त और फुर्तीली नज़र आ रही थी। बहुत लोग का मानना था कि उन्होंने कोई एस्ट्रॉइड ली होगी, पर बहुत दिन के बाद पता चला कि मैडम तो फिनिश लाइन के कुछ दूर पहले ही घुसी थी और मैडम को बहुत लोगों ने मैराथन के पहले मेट्रो में देखा था जब मैराथन चल रहा था, तो फंस गई और जो भी रिकॉर्ड अचीवमेंट दिया था सब वापस ले लिया गया। She's in track clothes and wearing a number, but I thought someone had just sort of stumbled into the race. Maybe somebody was a little crazy or something. I'm sorry. Rosie Ruiz, the women's winner in the Boston Marathon today with a time of 2:31 and change. No, we don't.